हरियाणा में नए सीएम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम जिसकी तैयारियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में पंचकुला के परेड ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में 17 अक्टूबर को नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होना है। वहीं कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं जहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, वहीं पर आपको सीधा लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि महज एक या दो ही दिन शेष हैं, तैयारियां कहां पहुंची हैं? बिल्कुल, देखिए यश, यहां पर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और दिन रात यहां पर तैयारियां हो रही हैं। इस वक्त देखिए कि सारी तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, पूर्व सांसद हैं संजय भाटिया, वो भी पहुंचे हुए हैं, अमरजीत जी भी यहाँ हैं और भी कई बीजेपी के नेता यहाँ आए हुए हैं। और संजय भाटिया जी पहले भी सारी चीज़ों का यहाँ पर देख कर गए थे, पंडाल और निरीक्षण सारी चीज़ों का कर गए थे। भाटिया जी हमारे साथ मौजूद है। भाटिया जी, जिस तरह से 17 अक्टूबर को एक भव्य आयोजन यहाँ किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह, इस सारे घटनाक्रम के बारे में आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? मैं आपसे एक फील शेयर कर सकता हूँ जो मैं फील कर रहा हूँ। देखिए 2014 में भी यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, 2019 में दूसरी जगह पे था वहाँ हुआ, और अब ये 2024 में दोबारा वहीं हो रहा है, उसी दिशहरा ग्राउंड में, पंचकुला में, जहाँ 2014 में हुआ था। इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में मैंने जो देखा पूरे हरियाणा के अंदर, कई बार क्या होता है जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको कोई ऐसा वो नहीं होता, ठीक है सरकार किसी की बननी थी, लेकिन इस बार सबको ये लग रहा है कि हमारी सरकार आ गई, हमारी अपनी सरकार आ गई। हरियाणा का भाईचारा इस बार जीता है। 36 बरादरी ये महसूस कर रही है कि हम ही नायब हैं, हम ही बीजेपी हैं, हमारी ही सरकार है, अब हमारा अधिकार है हर फैसले के अंदर। मुझे ये जो अपनेपन की फील है मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। भाटिया जी, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री के आगमन से पहले विधायक दल की मीटिंग के लिए अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो चंडीगढ़ में पहुंच रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां काफी स्पीडली और काफी जिसको कहें बहुत तेजी से देखी जा सकती हैं। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मैं इतनी बड़ी टिप्पणी जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कल मीडिया में ये चीज काफी चलती रही है, जहां तक मेरी छोटी सी बुद्धि में बात आती है, क्योंकि 17 को ये माननीय अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम में रहना था, माननीय प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में रहना था, 17 को तो उन्होंने रहना ही था और 16 रात को पहुंचना था, और विधायक दल का जो नेता है वो उन्होंने 16 के ही डेट रख ली गई, तो मुझे लगा कि कईयों ने काफी ज्यादा कुछ दिन तो राव इंदरजीत जी को लेकर आप मीडिया के अंदर वो रहे, और मेरे को कल मैंने सोशल मीडिया में देखा राव साहब ने कहा यार अब सोचने वाली कहने वाली बात ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय का हमेशा उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन कई बार पता नहीं क्यों हाइप क्रिएट होता है या कोई, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत टीआरपी का चक्कर रहता है। संजय जी देखो, अमित शाह जी का और देश के प्रधानमंत्री का हरियाणा पर विशेष फोकस होना, प्रधानमंत्री मोदी जी का पंचकुला से विशेष लगाव रहा है, उसका कारण नहीं, ये जीत कोई साधारण जीत नहीं है, ये बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, मैंने जितने भी इंटरव्यू सुने उनके, बड़े बड़े राजनीतिक आकलन करने वाले लोग, इवन तक के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और उनके ओपिनियन पोल्स, बाद में एग्जिट पोल्स, वो सारे जुटलाते हुए हरियाणा के भाईचारे ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है, और मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश को प्यार करने वाले, इस देश को बहुत आगे ले जाने वाले, वो भी अभिभूत है इस हरियाणा की जीत ने। सारे जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले थे उनको आत्मचिंतन करने पे मजबूर कर दिया कि आपके बोलने से, आपके शोर मचाने से, आपके दिखाने से उस जनता का मन नहीं बदल सकते जिस जनता का मन भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, जिस भाईचारे का मन भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। भाटिया जी, बीजेपी संगठन की तरफ से क्या कोई न्योता नेता प्रतिपक्ष रहे भूपिंदर सिंह हुड्डा भी दिया जाएगा? 100% हम बैठे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, परमात्मा हमारी आयु भी उनको लगाए, चौधरी अभय चौटाला जी, कोई भी चौधरी दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी रंजीत सिंह जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी वरिंदर सिंह जी, कोई ऐसा नहीं जिनके पास ऑफिशियली उनके पास निमंत्रण ना जाए, और मेरी इच्छा है
कि चुनाव तक हम सब अलग अलग लगते हैं, लेकिन बाद में हम सब हरियाणा के हैं, हम हरियाणवी हैं, हरियाणा एक और हरियाणवी एक। मैं चाहता हूं कि इस उत्सव में, इस खुशी के अवसर पर हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया है, हरियाणा के भाईचारे ने जो मैंडेट दिया है, हरियाणा की 36 बरादरी ने जो मैंडेट दिया है, उसका सम्मान करते हुए, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले तो सभी ये बोलते थे कि जनता फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी, अब जनता ने फैसला कर दिया तो अब दाएं बाएं की बातें ना करके मेरी रिक्वेस्ट है पूरे सम्मान के साथ उनके पास निमंत्रण जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं अगर वो परिपक्व हैं, मैच्योर हमारे नेता हैं, काफी लोग उनको फॉलो करते हैं, भले ही वो चुनाव हार गए हों, ऐसा तो नहीं कि हरियाणा के लोग उनको फॉलो नहीं करते, ऐसे सब नेताओं को मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इस खुशी के अवसर पर शामिल होने का और एक संकल्प लेना चाहिए। भले ही राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग है, लेकिन हरियाणा को बढ़ाने में हम साथ रहेंगे, ये संकल्प 17 तारीख को सबको करना चाहिए। जो कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि 20 जगह ईवीएम की गड़बड़ हुई, वहां पर चुनाव दोबारा होने चाहिए, इसको कितना आप वाजिब मानते हैं या गलत मानते हैं? चंद्रशेखर जी, आप मेरे कॉलेज टाइम के मेरे मित्र हैं और मैं तो कहूंगा मेरे छात्र नेता हैं। ये उन्होंने कोई पहली बार ईवीएम पे सवाल उठाया है या आखिरी बार उठाया है? जब वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी नीतियां जीत जाती हैं, जब वो चुनाव जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कुनीति बताते हैं, और जब वो हार जाते हैं उन्होंने एक ही बात कह रखी है, ईवीएम का रोना रोते हैं। आप उनको, मतलब मैं तो खुद बोल कैसे पाते हैं, जस्टिफाई कैसे करते हैं, रात को सोते कैसे हैं? जब आप चुनाव जीत जाते हो, जिस स्टेट में आपकी सरकार आ जाती है तब ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, जिस स्टेट में वो चुनाव हार जाते हैं तब ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। मैं कहता हूँ कम से कम थोड़ा तो शर्मा लो भाई, थोड़ा शर्मा लो। नायब सिंह सैनी की नई पारी पार्ट टू को कैसे देखते हैं आप? मैं बहुत अच्छे रूप में देखता हूं और मैं एज ए कार्यकर्ता 16 तारीख को आपने बैठक भी है विधायक दल की, मोहर उसमें लगेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, मोहर उसमें लगेगी, लेकिन मैं एज ए लेमैन, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, दायित्व के नाते से आप मुझे बड़ा बनाते हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैं एक फीलिंग बताता हूं कि एक बहुत ही विनम्र और बहुत ही सबका सम्मान करने वाला, गरीब से गरीब आदमी भी उनका हाथ पकड़कर एक कोने में ले जा सकता है, ऐसा सबको उपलब्ध, रात को 2 बजे भी आप आवाज मारो तो वो उठकर खड़े होते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि उनके आराम के घंटे कितने हैं। ऐसा एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता, गरीब का बच्चा जो एक साधारण जीवन से शुरुआत करके, और आप देखिए कि उसने सारे राजनीतिक पंडितों को फेल कर दिया, ऐसे नायब सैनी जी का सब दिल से प्यार करते हैं और मैं तो उनको शुभकामना देता हूं। करनाल लोकसभा से 6 लाख से अधिक वोट से जीतने वाले संजय भाटिया की नई पारी सक्रिय राजनीति में, इलेक्टेड राजनीति में कब लोग देखेंगे और क्या होगी? मैं उस वक्त चुनाव जीता 6.5 लाख से, मेरा बाहर निकलते ही मेरे को किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया तो कहने लगे आपकी इतनी बड़ी जीत होगी, आपका कमाल है, पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की आपकी जीत हुई। मैंने कहा ये लोगों की कृपा है, जनता की कृपा है और मोदी जी का आशीर्वाद है, उनके नाम का मेरे को वोट मिला। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, मैं इस मामले में तो जाना जाता हूँ जो बात कहनी, तो उन्होंने मजाक भी किया पत्रकार ने, आपकी जीत तो उनसे भी बड़ी होगी, आपकी जीत तो अमित शाह जी से भी बड़ी होगी लास्ट टाइम में तो मार्जिन के हिसाब से। मैंने कहा फिर आपने रामायण नहीं पढ़ी, रामायण में एक चौपाई आती है जिसका अर्थ है राम से बड़ा राम का नाम। मैं कहा जीत तो ये मोदी जी की है, उनके नाम की है, और नई भूमिका मेरी है वही है जो पुरानी भूमिका थी, आगे भी रहेगी और आज भी उसी भूमिका में खड़ा हूँ। एक भूमिका मेरी पार्टी के उस कार्यकर्ता के रूप में है, पार्टी जो भी अपेक्षा करे आपको एक पैर पे खड़े होकर पूरी करनी चाहिए, मेरे जीवन का ये है। बाकी इन राजनीतिक दायित्वों को, ये राजनीतिक पोस्टों को, इन जनप्रतिनिधि को मैं इसको सेकंड नंबर पे रखता हूँ। पहला ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक मेरे कार्यकर्ता होने के नाते जो अपेक्षा है उसको हमेशा पूरा करने के लिए तैयार रहना, ये मेरी फीलिंग है। हमारी शुभकामनाएं हैं संजय भाटिया जी, आप जिस प्रकार से यहाँ आयोजन समिति में संजय भाटिया आप देख सकते हैं आयोजन में लगे हुए, मैं कैमरामैन से कहूंगा जितेंद्र हंस से कि यहाँ दिखाने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से भारी पुलिस का हमला भी मौजूद है, पुलिस तंत्र यहाँ पर मौजूद है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, आयोजन जो यहाँ किया जाना है उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। 17 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे, उससे पहले 17 अक्टूबर को अगर जिक्र किया जाए 16 अक्टूबर को हरियाणा विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें ऑब्जर्वर के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह रहे हैं, यानी कि अमित शाह जी ने ये चुनाव का बिगुल हरियाणा का
बजाया था, शुरू किया था पंचकुला की धरती से, और अब पंचकुला यानी हरियाणा के राजनीतिक इस जीत के बाद इस जश्न की सेलिब्रेशन में पूरी तरह से अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट और पूरा सानिध्य देखा जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह की एज ए ऑब्जर्वर जो मौजूदगी है वो कई चर्चाएं पैदा करती है, उनका आना यहाँ पर, और एक बीजेपी 48 सीटें अपने दम पर अमित शाह के मार्गदर्शन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में जिस प्रकार जीत कराई, उसको देखते हुए बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग में उनकी मौजूदगी बहुत अहमियत रखती है। और हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए तो निसंदेह बीजेपी नायब सैनी पार्ट टू की जो पारी शुरू होने जा रही है उसमें देश के दिग्गज नेता यहां पर दिखेंगे, मौजूद रहेंगे, और पूरे भारतवर्ष से अगर कहा जाए जितने चीफ मिनिस्टर हैं अलग अलग स्टेट के वो यहाँ मौजूद रहेंगे, कुछ स्टेटों के गवर्नर यहाँ मौजूद रहेंगे, कई न्यायाधीश जो जुडिशरी से जुड़े हों वो यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं।